मुफ्ती अरबाब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती अरबाब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से हर एक के जहन में एक डाउट होता होगा कि अल्लाह सुबहानहू व तआला के बारे में हमने ये सुन रखा है बचपन से कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, यानी अगर अल्लाह सुबहानहू व तआला हर एक की मुराद को पूरा फरमा दें जिसकी जो मुराद है, अगर समझ लीजिए कि खजाना एक समुंदर के बराबर है, अल्लाह ने तमाम कायनात की यानी तमाम मखलूकात की मुराद पूरी फरमा दी, तो जितनी सुई डुबोते हैं समुंदर में, जितना पानी उस सुई की नोक में आता है, अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह सुबहानहू व तआला का खजाना अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है, उसमें कोई ख़त्म होने की इम्कान है, उसमें ख़त्म होने का इम्कान ही नहीं। इसकी बात कुरान में से भी साबित हुई, वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्द, कि अल्लाह सुबहानहू व तआला के पास अनलिमिटेड ज़मीन और आसमान का ख़जाना है, अनलिमिटेड गैब का ख़जाना है। अब ये अल्लाह सुबहानहू व तआला को पता है कि किसको क्या देना है। अब इसकी मिसाल समझिए, एक छोटा सा बच्चा जब वो पैदा होता है, जब उसके माँ बाप के ज़रिए अल्लाह उसे इस ज़मीन में भेजते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा अक्सर नासमझ होता है, वो कभी गलत चीज़ की ज़िद करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो सोचता है कि मेरे माँ बाप उससे मोहब्बत नहीं करते, मुझे ये चीज़ नहीं दे रहे। यकीन मानिए, मैं आज तक इसका शिकार हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बेहतर है, लेकिन अगर मेरी वालदा ने मुझे कहा ये चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, बाद में समझ में आता है वक़्त यकीनन तुम्हारे लिए वो बेहतर नहीं थी। तो जब एक बच्चा छोटा होता है, वो अपने वालदेन से किसी चीज़ का मुतालबा करता है कि मुझे वो चीज़ दे दीजिए। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने कहा अम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, अम्मी ने उसे दो ऑलरेडी दे दी, वो तीसरी मांगता है, नहीं देते, और अब्बा उसके सामने खड़े होते हैं चॉकलेट, तो कहता है, वो कह सकता है कि बड़ा बाप बड़ा जालिम है, खुद तो खा रहा है मुझे नहीं दे रहा। अरे बाप को पता है ना ये बात कि तेरे दांत की पावर कैसी है और मेरे दांत की पावर कैसी है। अगर मैंने चॉकलेट खाई तो मुझे इतनी अक्ल है कि मैं अपने दांत साफ कर सकता हूँ, लेकिन एक बच्चा है उसे इतनी अक्ल और इतना शऊर नहीं होता कि वो अपने दांत को साफ कर ले। वो लाओबाली बनने अपने दांत साफ नहीं करेगा, फिर क्या होगा कि वो दांत के अंदर इन्फेक्शन कीड़ा सब लग सकता है। तो इसी तरीके से जब इंसान समझता है कि मेरे लिए ये चीज़ बेहतर है और अल्लाह सुबहानहू व तआला तो हमारे खालिक हैं, जब हमारे दुनियावी खालिक हमें वो चीज़ नहीं देते तो हमारे उखरवी खालिक हमें वो किस चीज़ कैसे दे सकते हैं। बस ये बात समझ लीजिए, अगर आपने ये बात समझ ली कि हमें जो चीज़ नहीं मिलती उसमें हमारे लिए बेहतरी होती है और जो चीज़ हमें मिली है उसमें हमारे लिए बेहतरी होती है, और आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप बाप हैं या आप माँ हैं और आप अपने बच्चे के साथ जुल्म नहीं कर सकती, इसी तरह अल्लाह सुबहानहू व तआला हमारे साथ कभी भी क्या है जुल्म नहीं कर सकती।